हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको अपडेट दी थी, ये जो CSE SP वाली जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें जो आपको नीचे दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया, मोबाइल नंबर वाला रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ पे जो ये इसमें बताया गया, सर्विस मोबाइल रजिस्ट्रेशन मानधन योजना के अंदर आपको यहाँ पे इन सेवाओं को लेने के लिए मित्र क्यों उसका CSE SP के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना, क्यों सर्विस मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर मानधन सर्विस पेज पर अपनी जानकारी दर्ज कर अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेवाए। इसका जो आज मैं बताने वाला हूँ प्रोसेस है आपको कि मोबाइल नंबर को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, वो ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलेगा, इस वीडियो फुल जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो शुरू करने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड वाले बटन पे क्लिक करेगा, पास बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। इसी तरह CSE कुछ आपके रोजमर्रा टेक वीडियो काम आने के लिए। अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने ये सर्विस यहाँ पे देख ली किस तरह से एक्टिव करनी है, फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं और ये सर्विस एक्टिव का ऑप्शन आपको ये मित्र में ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों हम सर्विस पे क्लिक करते हैं, जैसे सर्विस में क्लिक करेंगे जो नीचे आपको स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल रजिस्ट्रेशन फॉर मानधन सर्विस। तो दोस्तों इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे आपको SSO ID देखने को आपको मिल जाएगी, आपकी जो SSO ID है वो, और यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा SSO के अंदर वो यहाँ पे एक्टिव होंगे। फिर मानधन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो रजिस्टर होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल देखने मिल जाएगा कि आपके SSO प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, आप इस मोबाइल नंबर से लॉगिन द्वारा प्रधानमंत्री पोर्टल की सेवाएं देंगे, यानी कि आपकी जो सेवाएं हैं जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसी से होगी। फिर नीचे आपको देखना यहाँ पे टिक मार्क करना दोस्तों, फिर मैं उपयुक्त मोबाइल नंबर जो वेबसाइट मानधन योजना की सेवाएं देने थे उस मोबाइल संबंधी कियोस्क से वॉलेट, यानी जो आपकी जो पैसे कटेंगे वहाँ पे जो सर्विस आप देंगे, तो यहाँ पे आप बताएंगे जो पोर्टल सेवाएं हैं, तो राशि काटने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे जो SSO ID आपकी जो ईमित्र वॉलेट से आपको पेमेंट कटेगा और यहाँ पे जो आपका जो कमीशन है इसी से जारी करेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पे सिंपली यस बटन का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है मोबाइल नंबर सक्सेसफुल अपडेट फॉर मानधन सर्विस। तो हमारा जो मोबाइल नंबर यहाँ पे सक्सेस अपडेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप दोस्तों यहाँ पे अपडेट करना है तो फिर हम यहाँ पे इसको डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से हम सर्विस पे आएंगे, सर्विस फॉर मानधन योजना। दोस्तों उस तरह से आपका सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। और अगर आप चेक करना चाहते हो अपडेट हुआ नहीं हो, तो आपको फिर से सर्विस पे क्लिक करना है, मोबाइल रजिस्टर फॉर मानधन सर्विस आना आपको। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे जैसे स्वीकृत करके यस पे आप जैसे क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पे बता रहे मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेट फॉर मानधन सर्विस। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे एक्टिव कर पाएंगे, आप जहाँ पे वो सर्विस करोगे यहाँ पे आपका जो पेमेंट SSO के माध्यम से कटेगा और आपका जो भी कमीशन होगा वो CSE के जो सर्विस से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।